हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज फंडामेंटल सब्जेक्ट फर्निशिंग फॉर द क्लाइंट यूनिट। क्या होता है फर्निशिंग ऑफ द क्लाइंट यूनिट? क्लाइंट यूनिट इज द एरिया फर्निश्ड एंड इक्विप्ड अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी फॉर द केयर ऑफ क्लाइंट। मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट की यूनिट होती है, यूनिट मीन्स उसका कोई प्राइवेट रूम हो सकता है या फिर जो वार्ड होते हैं, तो उस वार्ड में उसके बेड के जो आसपास का उसका एरिया होता है तो उसको क्लाइंट यूनिट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो वो उसके जो आसपास का एरिया है, उसकी यूनिट है, उसको अच्छे से फर्निश्ड एंड इक्विपाइड रखना होता है, जिसकी वजह से उसकी केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए या फिर उसको जो चाहिए, उसको जो नेसेसरी है, उसकी उसकी जो नीड है पेशेंट की, वो पूरी हो सके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब जो भी पेशेंट को जो भी अपने लिए कुछ भी चाहिए होगा, तो वो अगर उसके आसपास होगा तो उसके लिए पेशेंट की के लिए अच्छा होगा वो, क्योंकि पेशेंट की इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो कुछ सफ़र कर सके। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो उसकी क्लाइंट की यूनिट है या फिर उसके जो आसपास का एरिया या फिर उसका रूम है, वो अच्छे से उसके इक्विपाइड हो, या फिर उसके आसपास सभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह या फिर सब चीज़ें अच्छे से वहाँ रखी हों सारी, या फिर क्लाइंट की नीड के साथ साथ में जो नर्सिंग स्टाफ है जो भी स्टाफ है जो उसकी केयर कर रहा है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट होता है कि वहाँ पर सब इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी है सामान वहाँ अच्छे से रखा होना चाहिए। तो वहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि बेड होता है पेशेंट का, उसको कोट भी बोलते हैं बेड को, ठीक है, बेड या कोट। इसमें क्या होता है, ए हॉस्पिटल बेड और हॉस्पिटल कोट इज द बेड स्पेशली डिजाइन फॉर हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट। मतलब जो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, उनके लिए ये बेड स्पेशलिटी डिज़ाइन किए हुए होते हैं, ठीक है। अदर इन नीड टू सम फॉर्म हेल्थ केयर, ठीक है, और साथ साथ में जो हेल्थ केयर है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उनको उनकी जो केयर है, उनकी जो नीड है, उसको ध्यान में रख के भी ये बेड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि इस बेड में क्या है, स्पेशलिटी होती है कि कंफर्टेबल के साथ साथ पेशेंट को इन पे मतलब जब पेशेंट सोए तो अच्छा भी लगे पेशेंट को और कंफर्टेबल फील हो, और साथ में कन्वीनियंस ऑफ फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये सही होना चाहिए बेड, ठीक है। और उसके साथ साथ में बेड क्या होते हैं, हॉस्पिटल के बेड जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, है ना, उन पे अपने घर के बेड की तरह कोई डिज़ाइन कोई वैसे नहीं होता, सिंपल बेड होते हैं ये और हल्के होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनको इजीली खिसकाया जा सके, इधर उधर किया जा सके, ठीक है, या फिर इजीली इनका यूज़ किया जा सके, ठीक है, और इनकी क्लीनिंग भी आसानी से हो सके, और साथ ही साथ ये मजबूत भी हों बेड, ठीक है, और अधिक समय तक चलने वाले भी हों। और इन बेड के नीचे जो ये होते हैं, इन पे टायर्स का, जो स्पेशलिटी बेड होते हैं उनके पे टायर्स का भी यूज़ किया जाता है, ताकि इजीली मूवेबल हो, पेशेंट को कहीं भी इधर उधर ले जाया जा सके, तो बेड पे ही उनको ले जाया जा सके, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये बेड ऐसे भी डिज़ाइन किए हुए होते हैं कि इनमें पेशेंट की पोजिशनिंग भी चेंज हो सकती है, जैसे कि पेशेंट का हेड मूव करवाना है या फिर घुटने या पाँव जो भी मूव करवाना है, तो इनमें इजीली हो सकते हैं। जैसे ये इस बेड पे, जैसे ये पीछे हैंडल सा हैंडल ये लगा हुआ है जो दिख रहा है, इसको जब घुमाते हैं तो इसकी पोजिशनिंग चेंज होती है बेड की। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिकल बेड भी आते हैं जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। और जो हॉस्पिटल के जो बेड होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी रखी जाइए, इन स्टैंडर्ड जो इनका मेजरमेंट है वो रखा गया है, तो इनकी जो लेंथ है वो 78 इंच की होनी चाहिए और 38 इंच चौड़ा होना चाहिए, और फ्लोर से इनकी हाइट जो है वो
28 इंच होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि जो नर्स या डॉक्टर जो भी है इनकी केयर कर रहे हैं वो उनमें वो जब केयर कर रहे हैं तो उस समय उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, थके नहीं वो, ठीक है, या फिर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। और साथ ही साथ इनमें साइड रेलिंग भी होती है जिससे पेशेंट को गिरने से बचाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन ओवर बेड या कार्डियक टेबल। ओवर बेड टेबल या कार्डियक टेबल ये क्या होती है, बेड टेबल प्लेस इन फ्रंट विद पिलो ऑन इट पेशेंट व्हेन कैन लीन फॉरवर्ड टेक रेस्ट। टेबल विदाउट पिलो इज यूज टू राइटिंग एंड मील, यूज फॉर पेशेंट विद कार्डियक कंडीशन एंड अस्थमा, पोजिशन शुड बी चेंज टू रिलीव फैटिग। इसमें क्या होता है कि ये इसको कार्डियक टेबल बोलते हैं, ये पेशेंट के सामने की तरफ रखी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके इसके ऊपर पिल्लो का यूज करें तो वो पेशेंट अपनी कंफर्टेबल के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। और अगर विदाउट पिल्लो अगर इसका यूज किया जाए तो फिर इसका यूज कुछ खाने पीने के सामान के लिए, उस पर खाने के लिए या फिर राइटिंग के लिए, कुछ लिखने पढ़ने के लिए, ठीक है, या फिर मेडिसिन रखने के लिए इनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। और या फिर कोई पेशेंट अपना कुछ और सामान भी इसमें रख सकता है, लेकिन जो मेनली इनका जो यूज होता है कार्डियक टेबल का, वो कार्डियक कंडीशन वाले पेशेंट में या अस्थमा वाले पेशेंट में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट जो होता है वो लीन फॉरवर्ड होके आगे की तरफ झुक के इस पर यूँ गर्दन टिका के लेटता है, तो उसमें कार्डियक कंडीशन में और अस्थमा की कंडीशन में रिलीफ महसूस होता है पेशेंट को, ठीक है। और इसके इससे क्या है, पोजीशन भी चेंज हो जाती है पेशेंट की, जिससे कि उसको थकान कम हो और वो आराम से टेबल पे टिक के आराम से बैठ सके आगे की तरफ झुक के। नेक्स्ट देखते हैं बेड साइड लॉकर। तो हॉस्पिटल में ये बेड साइड लॉकर तो आपने देखे होंगे, ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं क्योंकि पेशेंट अपना कुछ भी ज़रूरी सामान, अपना कीमती सामान इन पे रख सकता है, ठीक है। और जो भी जो कि पेशेंट के पास में ही रखी जाती है, जिससे भी पेशेंट की पहुंच से दूर नहीं होती, पेशेंट के पास में होनी चाहिए ये। और इसके अंदर कुछ सामान रख सकते हैं या फिर इसके ऊपर भी कुछ सामान रखा जा सकता है, जैसे कि मेडिसिन, फ्रूट वगैरह, या फिर और भी कोई ज़रूरी सामान, या फिर मनी, या फिर इसेंशियल वैल्यूएबल्स होते हैं वो लॉक के अंदर रखे जाने चाहिए। उसके बाद में चेयर एंड स्टूल, तो ये भी पेशेंट के पास में होनी चाहिए एक चेयर या स्टूल, ठीक है, जिससे कि वो अगर पेशेंट अगर बेड से उठ के बैठना चाहे तो वो इस पे बैठ सकता है आसानी से, या फिर कोई विजिटर उस मिलने आ रहे हैं पेशेंट से तो विजिटर बेड पे ना बैठ के चेयर पे बैठ सकता है, ठीक है। या फिर जब पेशेंट को बाथ दिया जा रहा है उस समय इन स्टूल पे क्लीन बेड शीट वगैरह या फिर उसके कपड़े वगैरह रखने के भी ये काम आती है। देन नेक्स्ट देखते हैं बेड साइड कमोड। तो ये क्या होता है, बेड साइड कमोड एक चेयर की तरह होती है, ठीक है, और साथ में तो इसके व्हील्स व्हील भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली सिंपल चेयर की तरह होती है, जिसमें बीच में एक बड़ा गड्ढा सा होता है, छेद होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बेड पर रखा जाता है उसके नीचे, ठीक है, जिसमें पेशेंट यूरिन या मोशन उसमें कर सकता है इसके अंदर बेड के पास में ही, ठीक है। और उसके बाद में ये जो अंदर इसके अंदर जो कंटेनर लगा होता है, जो बेड पान लगा होता है, इसको बाद में रिमूव करके क्लीन भी किया जा सकता है, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन के बाद में क्लीन किया जा सकता है इसको इजीली। और ऐसे इसको ऐसे पेशेंट में यूज करते हैं जो पेशेंट उठ के बाथरूम नहीं जा सकते हैं, बाथरूम तक नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए ये बेड साइड ही अवेलेबल करवाई जाती है। देन है बेड पान।
या यूरिनल्स, तो बेड पान एंड यूरिनल्स, ये बेड पान जो यूरिनल्स है, जो ये मेल यूरिनल्स है वो मेल यूरिनेशन के लिए काम आता है, ठीक है, और जो ये बेड पान है वो मेल फीमेल दोनों में काम आ सकता है फॉर यूरिनेशन, वो डिफिकेशन, एंड जो एंड बेड पान फीमेल में डिफिकेशन और यूरिनेशन दोनों के लिए काम आता है। और ये फ्रैक्चर बेड पान है जो जिस पेशेंट क्या अगर हिप फ्रैक्चर वाली कंडीशन है तो, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फ्रैक्चर है तो उस कंडीशन में इस बेड पान का यूज किया जाता है। और ये फीमेल यूरिनल है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें कोई पेशेंट होता है जो बेड पे ही रहता है, या फिर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, या फिर कोई भी ऐसा पेशेंट होता है जो बेड पे रहे, बेड से नहीं उठ सकता है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट में इनका यूज किया जाता है। देन स्पूटम कप, इट इज यूज फॉर कलेक्ट द स्पूटम, स्पूटम को कलेक्ट करने के लिए इस स्पूटम मग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है किडनी ट्रे, यूज फॉर कलेक्टिंग वोमिट सोइल्ड एंड ड्रेसिंग बॉडी फ्लूड्स। किडनी ट्रे का यूज मेनली, इसका यूज वोमिटिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है, अगर वोमिटिंग आए तो उसको करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन इसको इसके साथ साथ में इसमें सोइल ड्रेसिंग या बॉडी फ्लूड्स के भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, उनके लिए भी उसको यूज किया जाता है उनको कलेक्ट करने के लिए। देन है वाटर फ्लास्क एंड ड्रिंकिंग ग्लास, मतलब पेशेंट के पास में, पेशेंट की रीच में ये वाटर फ्लास्क और ड्रिंकिंग ग्लासेस भी होने चाहिए, जिससे कि पेशेंट खुद पानी पी सके। प्लेट स्पून फोक नाइफ ये सब वगैरह भी पेशेंट के पास में होना चाहिए, ताकि या पेशेंट को खाना खाने में कोई दिक्कत ना हो। देन है कॉल बेल, फॉर कॉल द नर्स इन देयर नीड। तो कॉल बेल का यूज पेशेंट कब करता है, जब पेशेंट जब किसी को हेल्प के लिए बुलाना हो, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, नर्सिंग स्टाफ को, किसी को भी अपनी हेल्प के लिए बुलाना हो, जब पेशेंट को ज़रूरत हो, उस टाइम जब बुलाना हो तो वो कॉल बेल का यूज कर सकता है। देन उसके बाद में टॉयलेट आर्टिकल्स, टॉयलेट आर्टिकल्स क्या क्या होने चाहिए उसकी यूनिट में, जैसे कि साबुन वगैरह है, ठीक है, टूथब्रश या टूथ पेस्ट है, या फिर माउथ वॉश है, या फिर कॉम्ब है, ये सब उसकी यूनिट में रखे होने चाहिए, ठीक है, ये सब या तो पेशेंट अपने साथ ला सकता है या फिर हॉस्पिटल से परचेज कर सकता है। इसके साथ साथ बकेट, मग, बेसिन वगैरह भी उसके पास होने चाहिए, अगर उसका प्राइवेट रूम है तो उसके बाथरूम में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में ए वेस्ट बास्केट, मतलब एक वेस्ट बास्केट होनी चाहिए एक डस्टबिन के तौर पर, जिसपे वो अपना जो कचरा वगैरह है वो उसमें डाल सके। उसके बाद में देखते हैं नर्सेस रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके क्या होता है, जो नर्स के क्या क्या रोल होते हैं पेशेंट को सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट देने में। तो जैसा कि हमने पहले की क्लास में पढ़ा था, इंश्योर ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ वार्ड, मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग वार्ड का या रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है, और उसकी यूनिट है वो वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, मतलब हवा का आवागमन अच्छे से होना चाहिए, और इंश्योर नॉइज इज विद इन प्रिस्क्राइब लेवल, मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो पेशेंट के पास में, सफिशियंट लाइट हो पेशेंट के पास, रोडेंट या पेस्ट वगैरह का अच्छे से कंट्रोलिंग हो, और अपडेट सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर फायर ब्रेकडाउन, फायर के टाइम पे जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उस वो कैसे यूज करते हैं, उनका क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, फायर के टाइम में क्या क्या करना चाहिए, ये सब भी नर्सिंग को पता होना चाहिए। रिस्क फैक्टर फॉर फॉल्स आर एलिमिनेटेड, मतलब जो पेशेंट ऐसे कोई रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से पेशेंट गिर सकता है,
तो उनको भी दूर करना चाहिए नर्स को, ठीक है। तो ये सब रोल हैं नर्स के फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। थैंक यू।